Hello everyone this is professor sanansari and welcome back to my youtube channel friends in this video we're going to discuss about a very important topic called factors influencing incidence of taxation in our last video we already discussed about the impact and incidence of the taxation and we discussed about the canons of taxation so to get all this videos so just subscribe to my youtube channel and definitely you're going to share i'm going to share the link on my description box so now first we need to just think about what is the meaning of incidence. देखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग तो समझ में आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इंसिडेंस ऑफ टैक्स को सो वी ऑलरेडी नो दैट टैक्स क्या होता है इसके फ़ीचर्स इसके टाइप्स ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है सो so इंसिडेंस का मतलब क्या होता है देखिए अगर समझिए कि आई एम अ मैनुफेक्चर मैं कुछ चीज़ मैनुफेक्चर करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्कर पेन्स बनाती हूँ ये मेरा इसका फैक्ट्री है इसका पूरा इंडस्ट्री का मैंने सेटअप कर रखा है और मैं लार्ज अमाउंट में इसका प्रोडक्शन करती हूँ सो so, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है लाइक like गवर्नमेंट ने अगर मैन्युफैक्चर करने पे मुझे जो भी टैक्स इम्पोज किया है सो so मुझ पर जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन मतलब फर्स्ट टाइम जिस किसी पे भी टैक्सेस इम्पोज किया जाता है उसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन लेकिन अब मैनुफैक्चर जो गुड्स बना रहा है वो होल सेलर लेके जाएगा होल सेलर के बाद रिटेलर्स खरीदेंगे और रिटेलर्स जाके फाइनल कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है सो so, मैन्युफैक्चर अकेला थोड़ी सारा का सारा बर्डन जो है वो अपने सर पर लेगा मैन्युफैक्चर अपने टैक्सेस के बर्डन को शिफ्ट करेगा होल सेलर्स पे होल सेलर्स विल शिफ्ट टू द रिटेलर्स एंड अल्टीमेटली जो टैक्सेस होते हैं वो जो है इंक्लूसिव होते हैं इन द प्रोडक्ट और वो पे करना पड़ता है आपके फ़ाइनल कस्टमर्स को सो so, ये जो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन आपने देखा फ्रॉम द मैनुफैक्चर टू द फाइनल कस्टमर इट इज़ कॉल्ड एज द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन जहाँ पर हम टैक्सेस को शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम द मैनुफैक्चर टू द फाइनल कस्टमर मतलब अल्टीमेटली जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किए थे उनमें कहीं ना कहीं जो टैक्सेस इंक्लूड करके उसको मार्केट में बेचा जाता है और वही टैक्सेस कौन पे करता है हमारे फाइनल कस्टमर्स जो उस गुड्स को खरीदते हैं ठीक है जैसे पार्ले जी का एक बिस्किट आप खरीदते हो ठीक है आपको लगता है कि फाइव रुपीज़ ही लगता है आपने खरीद लिया बट उसके अंदर भी टैक्सेस इंक्लूड होता है भले से वो पैसों में टैक्सेस हो बट पाँच पैसा दस पैसा कितना भी हो सकता है बट वो टैक्सेस जो है इनक्लूसिव होते हैं तो ये जो बर्डन ऑफ बर्डन को शिफ्ट करना टैक्सेशन के इज़ नथिंग बट व्हाट वी कॉल द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन अब हम देखेंगे कि ये जो टैक्सेस बर्डन शिफ्ट होते हैं इसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं अब देखिए देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर एक मार्केट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक बायर और दूसरा होता है सेलर और द सप्लायर ठीक है दोनों के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि चेंजेस कब कैसे और किस तरीके से बर्डन को शिफ्ट किया जाता है कभी कभी बर्डन पूरा सेलर पे होता है कभी कभी पूरा बर्डन टैक्स का बाहर पर चला जाता है यानी कभी कभी जो है सेलर खुद भी थोड़ा सा टैक्स पे करता है और ज़्यादा जा, टैक्स कस्टमर से लेता है कभी ज़्यादा टैक्स खुद पे करता है और कभी कम टैक्स जो है कस्टमर से वसूल करता है सो so ये जो फैक्टर्स है ना सबसे पहला फैक्टर इज इलेस्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड डिमांड तो आपको पता है प्रोडक्ट की जो मांग बढ़ जाती है कम हो जाती है इलास्ट्रिसिटी का मतलब होता है चेंजेबिलिटी डिमांड में होने वाली चेंजेस की वजह से भी टैक्सेस का बर्डन जो है चेंज होने में प्रॉब्लम आती है या फिर अप्स एंड डाउन्स होता है सो so, चलिए हम पहला फैक्टर लर्न करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो इट्स सो इजी थोड़ा सा आपको लगेगा यहाँ पर चार चार केसेस है फ्रेंड्स इलास्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के जो हम यहाँ पर देखेंगे सो फोर केसेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक रिलेटिवली मोर इलास्टिक रिलेटिवलीस इलास्टिक आई होप य चीज़ें चारों केसेस को पढ़कर आपको आपका ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स याद आया होगा जहाँ पर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऑलरेडी पढ़ा है और यही चारों केसेस हमने पढ़ रखे हैं बट इन्हीं चारों केसेस को अभी हमें थोड़ा सा प्रो लेवल पर आकर डिस्कस करना है दैट्स इट एंड इट इज़ वेरी इजी फ्रेंड्स ना अब मैंने यहाँ पर ना दो हिंट आपको दे रखी है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा मैंने यहाँ पर एक की बनाया है की पॉइंट जिससे आपको डायग्राम बनाना बहुत इजी हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट्स भी इजीली समझ में आ जाएंगे देखिए जब भी प्राइस में कोई चेंजेस होगी आप सिर्फ मेरे दो सेंटेंस को याद रखो प्राइस में मतलब प्राइस बढ़ गया या कम हो गया बायर पर इफ़ेक्ट जाएगा है ना जो ख़रीदने वाला है उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा या उसको कम पे करना पड़ेगा सप्लायर पे तो कोई फ़र्क होने वाला ही नहीं है सो so, कभी भी आपके आगे चलकर जो हम डायग्राम्स बनाने वाले हैं जो भी केसेस में प्राइस में चेंजेस हुआ सो इफेक्ट विल गो ऑन द बायर हाँ लेकिन क्वांटिटी में चेंज हुआ डिमांड कम हो गई या बढ़ गई क्वान्टिटी ज़्यादा बिक रहा है या कम बिक रहा है तो इसका इफ़ेक्ट जाएगा सप्लायर पर सेलर पर जो बेच रहा है दैट्स इट ये दो की पॉइंट आप याद रखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पहले तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता क्या है मैं यहाँ पर इलास्टिक का वर्ड आपको समझा सकती हूँ कि इसका मतलब होता है चेंजेबिलिटी अब ये बोल रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में चेंजेस होगी मतलब जितना भी चेंजेस होगा वो किस में दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ डिमांड में परफेक्टली मतलब पूरा का पूरा चेंजेस कहाँ पर देखने को मिलेगा डिमांड में सो वाट अबाउट प्राइज सो प्राइज विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर इलास्टिक डिमांड बोला है मतलब डिमांड में तो चेंजेस हो ही रही है डिमांड में तो चेंजेस हो ही रही है सो so प्राइस में क्या होगा प्राइस विल रिमेन कॉन्स्टेंट प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगी और चेंजेस होगी तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगी डिमांड में होगी ठीक है सो देखो अब मैंने क्या बोला फिर मैं रिपीट करूंगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में चेंजेस होगी इलास्टिक का मतलब चेंजेस डिमांड में चेंजेस होगी और प्राइस वैसा क्या वैसा ही रहेगा अब मैंने बोला डिमांड में चेंजेस होगी मतलब क्वांटिटी में चेंजेस होगी क्वांटिटी में चेंजेस होगी इसका मतलब ये हुआ कि पूरा बर्डन किस पे जाने वाला है सप्लायर पे देखिए इसलिए मैंने एक यही पॉइंट बना रखा है के पूरा बर्डन अब किस पे जाएगा मैंने बोला डिमांड में चेंजेस होगी डिमांड में चेंजेस होगी मतलब क्वांटिटी में चेंजेस होगी क्वांटिटी में चेंजेस होगी मतलब बर्डन किस पे जाएगा सप्लायर पे यानी कि सेलर पे समझ में आ गया और प्राइस वैसा का वैसा ही रहेगा तो देखिए यही बात यहाँ पर लिखी हुई है सेंटेंस में वेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक जब डिमांड में पूरी तरीके से चेंजेस होगी गिवन द सप्लाई इलास्टिसिटी द एंटायर टैक्स बर्डन इज ऑन द सेलर मतलब पूरा टैक्स बर्डन किस पे चला जाएगा सेलर पे चला जाएगा ठीक है क्योंकि देखो डिमांड अगर कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है डिमांड चेंजेस हो रही है ठीक है सो हो सकता है कि अगर डिमांड कम हो गई लोग खरीद रहे नहीं है सो so, पूरा टैक्स बर्डन फिर लोग अगर चीज़ खरीदेंगे तभी तो टैक्स पे करेंगे उसमें इंक्लूडेड होता है लेकिन अगर कोई टैक्स खरीद चीज़ें खरीद ही नहीं रहा है so, सो पूरा का पूरा बर्डन फिर से कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा सेलर के पास जिसने सप्लाई किया कोई उसका प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है सो so, चलिए इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स इट्स सो इजी एक्स एक्सएस पे वी आर सपोज टू शो द आउटपुट वाई एक्सेस पे वी आर सपोज टू शो द प्राइसेस ठीक है अच्छा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा डिमांड में चेंजेस होगी प्राइस वैसा का वैसा ही रहेगा सो so, देखिए यहाँ पर प्राइस पी आपका जो प्राइस दिखा रहा है उतने ही प्राइस पे पहले आप ओ से क्यू तक का प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे थे मतलब सप्लायर जो है ना ओ टू क्यू तक का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा था तो आप इनका जो सप्लाई का वे इस तरीके से बन रहा था देखिए और ये जो आप डी देख रहे डी इज अ डिमांड का देखो कभी भी मिक्सर दिखाना होता है डिमांड एंड सप्लाई का ठीक है डिमांड एंड सप्लाई का मिक्सर दिखाना पड़ता है इसके लिए मैंने पूरा ये इरेज किया है मैं आपको फिर से सिखाना चाहूंगी वाई एक्सिस पे प्राइस एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी अब क्वांटिटी की बात करें कि क्वांटिटी चेंज होगी हम डिमांड एंड सप्लाई दोनों दिखाएंगे जब भी परफेक्टली इलास्टिक होता है ना सो डिमांड कव हॉरिजॉन्टल होता है ये आपने ट्वेल्थ में सीखा है क्योंकि नो no, यहाँ पर डिमांड में चेंजेस होती जा रही है प्राइस वैसा का वैसा ही तो देखिए प्राइस वैसे ही वैसा ही है और प्राइस से ही आपका डिमांड कर्व बना है जिसमें चेंजेस होगी सो डिमांड कर्व ऑलवेज विल बी इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ठीक है सो डी इज़ अ डिमांड कर्व नाउ अभी आपने बताया कि ये आपका प्राइस है पाँच रुपये प्राइज़ है समझो पाँच रुपये प्राइस का बिस्किट और तो आप ओ से क्यू तक का बिस्किट जो है सप्लाई करते थे तो ये जो पॉइंट आपको डिमांड में मिला यहाँ से आपने बनाया सप्लाई का ठीक है लेकिन जैसे ही आपका डिमांड कम हो गया देखिए प्राइस वैसा का वैसे ही अब लोगों ने ऑल ऑफ सडन डिमांड कम कर दिया सो so, क्वांटिटी जो आप ओ से क्यू वन पे सप्लाई कर रहे थे क्यू पे अब वो ओ से Q1 वन हो गई सो so, यहाँ पर अगेन आपका एक सप्लाई बन जाएगा S1. वन दैट्स इट और कुछ नहीं है बस मुद्दा यह है कि जो वो केस बता रहा है केस बोल रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सो बट इस डायग्राम भी दिखा रहा है कि देखो क्वान्टिटी में चेंजेस हो रही है डिमांड मतलब क्वान्टिटी क्वान्टिटी में चेंजेस हो रही है प्राइस उतना का उतना ही है जब आप ओ से क्यू तक का सप्लाई कर रहे थे तो भी प्राइज वॉज रुपीज़ फाइव जब आप ओसे क्यू वन तक का सप्लाई मतलब कम सप्लाई कर रहे हो तो भी प्राइज़ वॉज रुपीज़ फाइव सो so, इसे हम हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में चेंजेस होगी बट प्राइस विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट आई होप ये डायग्राम आपको समझ गया होगा अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है ये मैंने बुक का ही यहाँ पर रखा है बट मैं आपको खुद से भी बताना चाहूँगी आप एक्सप्लेन कैसे करोगे लेट मी रेज दिस सी सो so, सबसे पहले तो ये सेंटेंस आपको लिखना बहुत ज़रूरी है जो मैंने यहाँ पर लिखा है और मैंने आपको सिखा भी दिया आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड डिमांड में चेंजेस होगी डिमांड में चेंजेस होगी मतलब क्वांटिटी में चेंजेस होगी क्वांटिटी में चेंजेस हो रही है मतलब पूरा बर्डन विल गो ऑन द सेलर ठीक है इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाई है दो की पॉइंट मेरे याद रखेंगे आप ठीक है सो so, पहला सेंटेंस आप ये लिखेंगे देन यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन वॉट एव यू कैन सी इन द डायग्राम सो फर्स्ट यू हैव टू राइट लाइक वी आर शोइंग द प्राइज ऑन वाई एक्सेस वी आर शोइंग द क्वान्टिटी ऑन एक्स एक्सेस ठीक है वैन द प्राइज डी इज अ डी इज अ डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बिकॉज दैट इज अ टोटली चेंजेस इन द डिमांड सो डिमांड कर्व एंड द नेचर ऑफ द डिमांड विल भी हॉरिजॉन्टल ओनली मतलब वो इस तरीके से होगा ठीक है एंड देन वैन द प्राइज वॉज रुपीज फाइव the supply was supply the quantity from o to q and all of a sudden the quantity was decreases from o to q1 but the, still the price was remains constant s is a supply curve s1 is also a supply curve when the quantities decreases that's it nothing you have to write apart from all this now the next is next case is perfectly inelastic demand अब नाउ वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस केस अगेन पहला तो इलास्टिक था मतलब चेंजेस होगी नाउ इन इलास्टिक मतलब नो चेंजेस इन डिमांड यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोला जा रहा है मतलब कि नो चेंजेस इन डिमांड अच्छा डिमांड में चेंजेस नहीं होगी मतलब डिमांड विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो फिर चेंजेस कहाँ पर होगी सो वी कैन से दैट दैर इज अ चेंजेस इन प्राइज ठीक है समझा फिर से रिपीट करूँगी परफेक्टली इन एलास्टिक डिमांड इन एलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पर आप क्या करोगे जस्ट वेट परफेक्टली इन एलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि नो चेंजेस इन डिमांड मतलब डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होगी अगर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होगी सो so प्राइज में चेंजेस होगी सो so, अगर प्राइस में चेंजेस हो रही है फ्रेंड्स तो मैंने आपको बोला था कि प्राइस में अगर चेंजेस हो रही है सो तो देखिए पूरा टैक्स का बर्डन किस पे चला जाएगा आपके बायर पे ठीक है so, सो प्राइस में चेंजेस हो रही है मतलब टैक्स बर्डन विल गो ऑन बायर साइड ठीक है so, सो अब बायर के पास जा रहा है मतलब प्राइस में चेंजेस होगी और डिमांड विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो देखिए यहाँ पे लिखा है वेन द डिमांड इज परफेक्टली इल परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होगा डिमांड जैसा कि तैसा ही रहेगा तो बर्डन पूरा किस पे चला जाएगा बायर पे समझिए देखो अगर कोई चीज़ है जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है बहुत ज़्यादा ठीक है अब बहुत ज़्यादा डिमांड है ना तो सप्लायर को पता है कि मैं पूरा टैक्स जो है कस्टमर पे थोप सकता हूँ क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है सो so, मैं टैक्स का ज़रा सा भी बर्डन अपने सिर पे ना लेते हुए सबका सब, सब कहाँ पे छोड़ दूंगा क्योंकि लोग तो एनी हाउ मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे सो so, मैं उन्हीं पर टैक्स डाल देता हूँ सो दैट इज़ वाई वैन द प्राइज इज इन वैन द डिमांड इज़ इन ए डिमांड में अगर कोई चेंजेस नहीं होगी ना सो so पूरा बर्डन किस पे चला जाएगा बायर पे मतलब प्राइस में चेंजेस होगी तो पूरा बर्डन विल गो ऑन द बायर चलिए डायग्राम को समझने के लिए कोशिश करते हैं अगेन द सेम थिंग विल गो ठीक है फर्स्ट वाई एक्सेस पे वी आर शोइंग प्राइस एक्स एक्सेस पे वी आर शोइंग क्वान्टिटी एंड नैम क्वान्टिटी हमने बोला कि डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होगी भले से प्राइज में चेंजेस होगी अप एंड डाउन होगा सी वेन द प्राइज वॉज रुपीज फाइव पी तो हम इतना क्वान्टिटी ही सप्लाई करते थे लेकिन अब प्राइज बढ़ गया तो भी आप उतना ही क्वांटिटी कर रहे हो मतलब पाँच रुपया था तो भी आप से क्यू तक का सप्लाई करते थे बिस्किट को जब बिस्किट का प्राइस बढ़ के पाँच रुपये से सात रुपया हो गया तो भी आप देखिए से क्यू तक का ही सप्लाई कर रहे हो और जो दो पॉइंट आपको मिलेंगे वहाँ से आपका सप्लाई कब बन जाएगा एस एन एस वन एंड डी इज़ अ हॉर्जोंटल इट्स अ वर्टिकल डिमांड कर्फ ठीक है क्यू वर्टिकल बिकॉज देर इज़ नो चेंजेस इन डिमांड जैसे पहले डिमांड कव हॉरिजोनटल था क्योंकि उसमें चेंजेज होती जा रही थी वैन द देर इज अ नो चेंजेस इन डिमांड सो डिमांड कर्फ का नेचर विल भी हॉरिजोन वर्टिकल वर्टिकल मतलब इस तरीके से ठीक है अप और प्राइज अप एंड डाउन होगा बट क्वान्टिटी विल रिमेन सेम ओके आई होप ये समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन तो जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही लिखेंगे नाउ द थर्ड केस इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली का मतलब होता है कम या ज्यादा मोर इलास्टिक डिमांड इलास्टिक मतलब चेंजेस होगी मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंजेस होगी इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस किया ना सो so डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा तो ऐसा क्या होगा बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको कहाँ देखने मिल रहा है डिमांड में डिमांड में मतलब मैं बोल सकती हूँ ज़्यादा टैक्स बर्डन भी किस पे चला जाएगा सेलर पे और थोड़ा सा टैक्स बर्डन चला जाएगा बायर पे क्योंकि ये परफेक्टली नहीं है परफेक्टली में पूरा पूरा बायर या पूरा पूरा सेलर जो हमने पहले दो केसेस देखे ये रिलेटिवली है मतलब थोड़ा बायर थोड़ा सेलर थोड़ा बायर थोड़ा सेलर बट यहाँ पे बोला रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड मोर इलास्टिक डिमांड मतलब इलास्टिक चेंजेस डिमांड में ज़्यादा चेंजेस होगी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हुई मतलब क्वान्टिटी में चेंजेस होगी क्वान्टिटी का बर्डन किस पे जाता है सेलर पे तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा इन दिस केस द लार्जर टैक्स बर्टन फॉल्स एंड दर्टन गो ऑन सो इट्स एक्स पेटी ठीक है देखिए सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल पी के बारे में बात करेंगे रुपीस 5, तो आप देखिए पी से क्या कर रहे थे कितना क्वान्टिटी बेच रहे थे क्यू ठीक है क्यू तक का क्वान्टिटी आप बेचते थे और ये आपका हो गया सप्लाई कर् ठीक है आपने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया देखिए आपने प्राइस पी से पी वन किया आप डिफरेंस देखिए इसका मतलब पांच रुपए से आपने समझो सात रुपया किया बट ऑल ऑफ़ सडन आपका जो क्वांटिटी था जो आप समझे यहाँ पे पचास क्वांटिटी बेचते थे वो डायरेक्ट रिड्यूस होके कितने पे आ गई थर्टी मतलब प्राइस तो आपने दो रुपये से बढ़ाया बट आपका जो डिमांड था क्वांटिटी था वो डायरेक्टली थर्टी से डाउन हो गया मतलब ये चीज़ ये बता रही है कि परफेक्टली सॉरी रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड में क्या होगा आपकी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो जाएगी बट प्राइस में आपने थोड़ा सा चेंजेस किया प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाया और डिमांड बहुत ज़्यादा डाउन हो गई सो so, प्राइज़ आपने थोड़ा सा बढ़ाया मतलब थोड़ा बर्डन तो गया आपके बायर पे भी बट जो आपका क्वांटिटी इतना ज़्यादा डाउन हुआ अब वो लोग खरीदेंगे नहीं पहले पचास रहा था आप तीस है सो so, बीस का पूरा टैक्स बर्डन फिर से किसको शिफ्ट हो गया सेलर को क्योंकि हमने खरीदा ही नहीं ना नहीं ख़रीदा तो वो माल तो फिर से रिटर्न सेलर को चला जाएगा सो so, पूरा टैक्स बर्डन किसको चला गया सेलर को चला गया आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नाउ द फोर्स्ट इज़ फोर्थ वन इज़ रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली कम ज्यादा लेस इलास्टिक मतलब चेंजेस होगी बट डिमांड में कम चेंजेस होगी मतलब ये हुआ कि आपने प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया बट डिमांड में थोड़ी सी चेंजेस हुई ठीक है सो so, देखते हैं क्या होता है अब प्राइस आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाया डिमांड में थोड़ी सी चेंजेस हुई डिमांड मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी का बर्डन किस पे जाता है सेलर मतलब सेलर पे थोड़ा सा टैक्स बर्डन रहेगा बट बायर पे टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा चला जाएगा सो so, देखते है, देखते हैं इसका डाइग्राम मैंने यहां लिख रखा है द डिमांड इज लेस इलास्टिक द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज मोर ऑन द बायर एंड द लेस ऑन द सेलर द सेम ओरिजिनल पी पे आ जाइए पी जब था तो आप कितना क्वान्टिटी बेचते थे ओनली क्यू लेकिन देखिए आपने प्राइस में क्या किया थोड़ा ज्यादा प्राइस बढ़ाया आपने प्राइस बढ़ा दिया समझो पी से लेके आपने प्राइस बढ़ा दिया ये पाँच रुपया था पहले प्राइस अभी आपने समझे प्राइस को दस रुपया कर दिया लेकिन जो क्वांटिटी आप पचास बेचते थे ना वो क्वांटिटी सिर्फ थोड़ी सी रिड्यूस होकर फिफ्टी फाइव पे आएगी मतलब पाँच ही का डिफरेंस आपने प्राइस को बढ़ाया ज़्यादा बट क्वांटिटी आपकी थोड़ी सी ही डिफरेंस दिखाई तो इसको हम कहते हैं रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड डिमांड में थोड़ा सा चेंजेस तो डिमांड में थोड़ा सा चेंजेस हुआ मतलब थोड़ा टैक्स बर्डन जाएगा आपके सेलर को और ज़्यादा टैक्स बर्डन जाएगा आपके बायर को ठीक है क्योंकि प्राइस में चेंजेस है आई होप ये आपको चारों केसेस इजीली समझ में आओगे आप जो है डायग्राम का एक्सप्लेनेशन अपने ओन वर्ड्स में कीजिए इट्स सो इजी आपको चाहिए तो मैं कुछ एग्जांपल्स एक छोटा सा क्विक रिविजन भी करा देती हूँ ठीक है पहला पॉइंट हमने परफेक्टली इलास्टिक देखा था जिसमें डिमांड में चेंजेस होगी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगी ठीक है जैसे कि देखो बहुत ज़्यादा ऐसे चीप केसेज चीप प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ सस्ती हो गई और प्राइस वही है बट लोग जो इसको कंटिन्यूअसली दो तीन दिन तक खरीदते रहते खरीदते रहते खरीदते रहते सो so, बहुत ज़्यादा इसका जो डिमांड बढ़ जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉल्ट का नमक का यहाँ पर मैंने क्या बताया इन इलास्टिक मतलब नो चेंजेस इन डिमांड नमक का प्राइस आप कितना भी बढ़ा दो लेकिन कोई भी नमक का कंजम्पशन सॉल्ट का कंजम्पशन नहीं रोकेगा सो so, देखो प्राइस पी था तो भी लोग लो, लो, नमक ओ से क्यों ही खरीद रहे थे प्राइस पी से पी वन हो गया तो भी लोग नमक जो है से क्यू ही खरीद रहे थे ठीक है सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी नेक्स्ट लेक्चर में विल मीट विद द न्यू टॉपिक दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन कीप सपोर्टिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग